ओ हेलो ड्यूड, क्या कर रहे हो यार? मुस्तफा, मुझे स्कूल से ना दो असाइनमेंट्स मिली हैं और वो इतनी लंबी हैं। मैं अभी पहली असाइनमेंट शुरू ही की है, 2 घंटे हो गए और उसका क्वार्टर ही नहीं होया है। 2 घंटे हो गए हैं और इतनी लंबी है? और यार असाइनमेंट कर जैसे तेरा भाई करता है। यार प्लीज हेल्प कर देगा यार, प्लीज। मैं क्यों हेल्प करूंगी, मेरी नहीं असाइनमेंट। यार मैं तुझे एक डील दूंगा, मगर उस डील को लेने के लिए तुझे असाइनमेंट करनी पड़ेगी। सोचते हैं, पहले डील बताओ। यार मैं तुम्हें ना एक गैजेट दूंगा, एक मैजिकल गैजेट। तुम्हारे पास गैजेट भी है? हाँ, वो भी मैजिकल। ये देख, ये एक मैजिकल वॉच है। ये तो स्मार्ट वॉच है। यार मैजिकल वॉच है, कोई स्मार्ट वॉच नहीं। इसको तुम पहनोगे ना तो तुम्हारे अंदर 100 बंदों वाली ताकत आ जाएगी। 100 बंदों की ताकत? हाँ, तुम गाड़ियों को एक उंगली से उठा पाओगे। एक उंगली से? हाँ, तुम ट्रेन को एक उंगली से रोक पाओगे। एक ट्रेन को जो 300 किलोमीटर की स्पीड में जा रही हो, उसे एक उंगली से रोक दूंगा। और तुम ऐसे हाथ करोगे और ऐसे हवाई जहाज को ऊपर से नीचे कर दोगे। यार मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। पहन कर देख यार, तुझे इतना यकीन नहीं हो रहा ना, पहन कर देख जरा। जल्दी बहन यार, मेरा असाइनमेंट का टाइम जा रहा है और ये कल तक सबमिट करनी है, तो जल्दी जल्दी लिखना होगा। मैंने अभी क्वार्टर भी नहीं किया यार। मुझसे यार हो सकता ना कि अगर मैं 75% कर लेता तो कुछ टाइम बच रहा होता, कुछ टाइम जाया भी कर लेते। जल्दी कर यार, ये देख कितना स्पेशल क्वालिटी है यार। यार ये स्पेशल क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं लग रही है, लंडे बाजार की लग रही है। और लंडे बाजार की नहीं, तुझे पता नहीं तेरे भाई ने कितनी मेहनत की है इसको पाने के लिए। बहन ली, अब अपने अंदर का शेर जगा। देख, 100 बंदों की ताकत आई। हाँ, मुझे फील हो रही है ताकत। उनकी जितनी ब्रेवरी आई। हाँ, ये मैं अपने आप को लड़ा सोच रहे। हाँ सोच रहा, अब तू किसी से नहीं डर पाएगा। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं उड़ सकता हूँ। अब तू ट्रेन रोक सकता है? हाँ रोक सकता हूँ। रोक सकता है ना, चांद को सूरज तक लेकर जा सकता है। हाँ हाँ, ये काम पहले कर फिर तुझे मिलेगी ये वॉच। है समझ आई? काम कर लेगा ना? उतार लूँ, जल्दी उतार। ये उतार ना, ये देख लालच ना करी, दे मेरी वॉच, चल काम कर, चल चल चल, वॉच मिल जाएगी। यार लेकिन ये तो बहुत लंबी असाइनमेंट है। कुछ नहीं होता, काम कर। यार हाँ काम हो गया। हाँ ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये इधर। हाँ हो गया। चल फिर ये ले तेरा इनाम, जा अयाशी मार एंड किल द वेव्स। ये वॉच फाइनली मुझे मिल गई यार, इतना सारा काम भी हो गया। ये पहन लिया मैंने वॉच। अब इस वॉच की ताकत देखते हैं। मैं अब 19 लीटर की बोतल उठाऊंगा, क्योंकि मैं तो हवाई जहाज भी उठा सकता हूँ। तो ये 19 लीटर की बोतल तो मेरे लिए कुछ नहीं। ओह, ये तो सच में काम कर रहा है। मैं तो आराम से उठा ली ये बोतल। यस है, ये तो खाली है। मेरी खाली बोतल नहीं चाहिए। हाँ ये भरी हुई है, अब उठाते हैं। क्यों नहीं उठ रही? दाऊद, क्या मतलब इस बात का? दाऊद क्या है मुस्तफा? यार तुमने कहा था कि ये वॉच तो तुम्हें 100 लोगों की ताकत देती है, मैं 19 लीटर की बोतल उठा पा रहा। यार मुस्तफा, कभी कभी ना इंसान को मजाक भी समझना चाहिए यार। जा यार, रह गया तू बस। गाइस, आज की वीडियो में तो ये साबित हो गया है इंडिया से भाभी में तो कभी ये करना चाहिए।
खा लिया मेरा इसने, इतनी मेहनत जाया होगी, पागल लोग यार, सारी मेहनत बेकार में गई। ओ गाइस वो देखे उधर शादी हो रही है, और गाइस आपको तो पता है आके भाई के मोहल्ले में कितनी इज्जत है और इतनी हैसियत है, लेकिन इन लोगों ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, ये है मेरी इज्जत। गाइस आजकल के हमसायों को हमसाय के हकूक पता ही नहीं है, कोई दीन इस्लाम का क्या पता, लेकिन गाइस आका भाई शादी करने घुसेगा और सारा खाना खाएगा, क्या पता तो है कि ये कि भाई का बचपन का टैलेंट है। बारात में पैसे भी तो लूटने हैं, वो तो मेरी एडिशनल क्वालिटी है। निहारी हलीम रोस्ट चिकन, मेरे और मेरे भाई हाँ अभी जाएंगे अंदर, लेकिन ये शैतान है किधर, चले गाइस ढूंढते हैं। दाऊद इब्राहिम तुम लोगों ने साथ वाले घर की लाइटिंग देखी है, उधर शादी हो रही है, चलो ऊपर जाके देखे ऊपर छत पे। ये देखो ये कितनी प्यारी लाइटिंग है, खुशबू भी बड़े मजे की है, खुशबू क्या अलग है। हाँ यार इब्राहिम क्या सोचते उसके बारे में, खुशबू लाजवाब है, स्मेल करो, वो बिरयानी, मेरी लंग्स को सुकून मिल गया। मेरी भी यार, ये देखो किसी दूसरे के खानों पे ऐसे नजर नहीं डालते यार इब्राहिम, लेकिन इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया यार इब्राहिम, मैं तो कहता हूँ हम चुपके से इनसे चले जाते हैं और खाना खा लेते हैं, क्या कर रहे हो, मैं भी एग्री करता हूँ यार, आज चलते हैं हम कोरमा मिलेगा, कोरमा। दीन इस्लाम का नाम सुना तुम लोगों ने, उन लोगों ने हमें इसलिए नहीं बुलाया होगा क्योंकि उनके कुछ पर्सनल मैटर्स होंगे यार, पेट की भूख से आगे कुछ नहीं। और इब्राहिम ये क्या, वैसे सोचो उन्होंने मीठे में इतने मजेदार हलवे आइसक्रीम कुल्फा रखा होगा और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, पिएंगे हम, मजा आ जाएगा इब्राहिम, आयाशिया मारेंगे। नहीं चुप, देखो खुशी पाने के ना दूसरे भी रास्ते होते हैं, सिर्फ चोरी और दूसरे की फंक्शन में जाना नहीं होता, ठीक है समझ आई, आओ मैं तुम्हें जरा दिखाता हूँ। Thank you.
चलो जी जी। अब तुम दोनों सर मुझे एक बात बताओ कि वो शादी ज्यादा मजेदार होती कि हम सारा खाना चोरी करके खाते, या फिर ये मैच ज्यादा मजेदार था? ये मैच ही ज्यादा बेहतर था, ये ज्यादा मजेदार था और ये हमने नेकी से खेले, इसमें कोई गिल्ट फील नहीं हुई। हाँ जी, पर मतलब हम चोरी करते, ये एक सीक्रेट भी रहता, फिर उसका गुनाह भी हमें मिलना था और हमें गिल्ट भी बड़ी झेलनी पड़ती। और एक झूठ को मतलब रखने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते और फिर उन 100 झूठ को बोलने के लिए और 100 झूठ बोलने होते हैं हर एक झूठ के लिए। तो आज की इस गेम से हमने क्या सीखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस इब्राहिम भाई।